असलम डियर स्टूडेंट्स दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन फ्राम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की बेसिस में से चंद एक और बेसिक कन्सैप्ट और उसमें एक पहला कन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है आइंस तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल स्पीशीज़ की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स उसमें आपको तो मिल जाएंगे आइंस मिलेंगे मालिकुलर आइंस मिल जाएंगे कैटाइंस मिलेंगे एन आइंस मिलेंगे फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे तो खैर आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पहली केमिकल स्पेशी का जिक्र करेंगे और वो है आपके पास आइंस आइंस होते क्या हैं आइंस बनते कैसे हैं और आइंस का एटम के साथ कनेक्शन क्या होता है कैसे बनेंगे? आइंस कैसे बनते हैं और उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्यों आते हैं वो सब डिटेल्स में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आइंस से उससे पहले आप ये देखेंगे आइंस बनते कैसे हैं देखें डियर स्टूडेंट्स पोज डेट मेरे पास एक सिंपल एटम है ठीक है एक एटम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हाइड्रोजन का एटम अब डियो स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना उसका जो अटामिक नंबर होता है वो होता है वन और अटोमिक नंबर का मतलब ये होता है कि उस एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटोन्स उसका उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटोन्स के नंबर होंगे वो उसका क्या कहलाएगा अटोमिक नंबर कहलाएगा अब इसका अटोमिक नंबर है वन अटोमिक नंबर वन का मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसके गिर जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज कितने होंगे एक ही नेगेटिव चार्ज होगा अब डियर स्टूडेंट इस एटम को खुद को स्टेबल करने के लिए ये एटम अगर स्टेबल होना चाहता है तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एक और इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा अब सोचने की बात ये है कि डियर स्टूडेंट तो ये है है तो हाइड्रोजन का एटम जिसमें एक प्रोटोन था एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक अजाफी आ गया वो इसने खुद एक्सेप्ट किया है अब इसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो आ चुका है लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज आया है नहीं आया इसका मतलब है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने है? हो गया, हो गया। ठीक है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज टू है, ये है. तो वन वन के साथ कैंसिल हो गया लेकिन फिर भी एक चार्ज बचेगा और वो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट वो पास बचता है वन नेगेटिव चार्ज बच जाएगा वापस यहां तक बात समझ में आई अब देखिए पहला जो एटम था हाइड्रोजन का उसके ऊपर चार्ज नहीं था क्योंकि उसके अंदर एक ही पॉजिटिव चार्ज था एक ही नेगेटिव चार्ज था तो जो एक दूसरे को कट आउट कर रहे थे काम खत्म कर रहे थे लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अजाफी हो गया अजाफी होने की वजह से अब जो हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि उसके अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा क्यों ज़्यादा, ज़्यादा हुआ क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया अब डियर स्टूडेंट इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जैसा कि हम एक और एग्जाम्पल देता हूँ सोडियम की अब सोडियम के अगर अटोमिक नंबर की बात करें ना तो सोडियम के जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है जी इलेवन कितना होगा इलेवन होता है अब इलेवन का मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं इलेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन इलेवन पॉजिटिव चार्ज हैं उसके न्यूक्लियस में अब अगर 11 पॉजिटिव चार्ज हैं 11 प्रोटॉन हैं तो उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो देखें जरा यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर होंगे अब डियर स्टूडेंट अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में आ जाएंगे 8 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट अब एट दूसरे में आगे पहले में आगे दो एट और टू इज इक्वल टू पीछे बचा एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरे शेल में आ जाएगा अब डियर स्टूडेंट सोडियम क्या करता है सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा सोडियम अपना क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसके नतीजे में देखें क्या होगा अब उसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं कितने प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में हैं इलेवन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितने हैं न्यूक्लियस में इलेवन क्योंकि न्यूक्लियस में से पॉजिटिव चार्ज नहीं निकल रहा निकल क्या रहा इलेक्ट्रॉन निकल गया अब एक इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दे तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं बाकी आपके पास बचेंगे इलेवन नेगेटिव चार्ज या इलेवन इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे अब इस कंडीशन में देखें सॉरी कितने बचेंगे टेन बचेंगे क्योंकि इलेवन तो टोटल थे ना एक निकल गया पीछे बचे टेन तो टेन बच गए अब यहां पर देखें तो यहां पर मुझे बताएं अब चार्ज कौन सा ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज है वो टेन है जो पॉजिटिव चार्ज है वो है इलेवन तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया वन पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया ज़्यादा हो गया अब देखें डियर स्टूडेंट जब कोई एटम वो जैसा कि हाइड्रोजन या फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लॉस करता है दोनों कंडीशन्स में क्या होगा कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो जो डियर स्टूडेंट चार्ज होगा ये देखें यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया देखिए सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया एन ए पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आ गया एन एच नेगेटिव तो डियर स्टूडेंट्स अब ये एटम नहीं रहे बल्कि अब ये क्या बन चुके हैं आइंस बन चुके हैं देखें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट या तो एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज होगा वो चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम क्या नाम दे देंगे उसको आप नाम दे देंगे, आइंस का नाम दे दे देंगे का तो आइंस कुछ इस तरह से बनेंगे एटम से अब हम सेकंड बात कर लेते हैं आइंस की टाइप्स कितनी होती हैं डियर स्टूडेंट्स आइंस की अगर हम टाइप्स की बात कर लेते हैं तो आइंस की दो टाइप्स होती हैं पहली एक जो तो टाइप है उसका नाम होता है कैटाइंस और दूसरी होती हैं एनाइंस केटाइंस एंड अनाइंस अब किटाइंस क्या हैं और एनाइंस क्या होते हैं चलें किटाइंस को देख लेते हैं देखें जरा डियर स्टूडेंट आपको इसको याद रखने के एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा मैं किटाइंस काट देना अलहदा कर देना किटाइंस

कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें कैटाइन बन रहा है मैंने कहा कि जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन काट देगा या रिलीज कर देगा वो क्या बन जाएगा वो कटाइन बन जाएगा तो यहां पर देखें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब ये क्या बन चुका है कटाइन अब इसको डिफाइन कैसे करना है आप इसको कहेंगे एटम वैन एटम क्या करेगा लूजिस इलेक्ट्रॉन वैन एटम लूज इलेक्ट्रॉन देन चार्ज कौन सा आएगा देन इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज हम उसको क्या नाम दे देंगे दे दे दे? उसको आप नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स कटाइंस का और कटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है उसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी कि पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का मतलब नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज 10 इलेवन से कम हो गया 10 पर आ गया लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो अभी भी इलेवन है तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज एक दर्जे एक अदद ज़्यादा हो गया इसी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स चंद एक जनरल एग्जाम्पल्स देख लें जैसे कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सोडियम की एक एग्जाम्पल है सोडियम ने क्या किया सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया जिसके नतीजे में सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया एन ए पॉजिटिव प्लस वन ई नेगेटिव इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स जो कैल्शियम है उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए उसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस टू कुछ इस तरह से तो ये किसकी एग्जाम्पल्ज आ गई आपके पास ये आ गए केटाइंस की और अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे इनाइंस का कहा जाए तो आपने बिल्कुल इसके ओपोजिट बात कर देनी है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो वो क्या बन जाएगा? देन वो जो बनेगा उस आइंस को क्या नाम दे देंगे उसको बेटा आप नाम देंगे एन का वैन एटम गेंस पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि एटम क्या करेगा एटम गेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ हमेशा जाएगा हमेशा जो चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज चार्ज कौन सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो बन क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो उस वक्त बन जाएगा आपके पास एक एनाइन बन जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केटाइंस एंड द एनाइंस अब हम जरा चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की जानब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल ज़रा इधर वाली साइड पर आ जाए इधर सॉल्व कर लेते हैं ओके चलिए डेयर स्टूडेंट अगर क्लोरीन की मैं बात कर लेता हूँ ये है सी एल अब क्लोरीन क्या करता है डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा जब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आइन कौन सा बनेगा ये आइन बनेगा एन इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जब वो टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो ओ माइनस टू आ जाएगा क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए राइट तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से क्या होगा कि ये सारा वर्क जो है जो प्रोसीजर है ये काम करेगा तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द आइन कैटाइंस एंड एन आइंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ आइन एंड द कन्सेप्ट ऑफ चार्ज चार्ज ऑन कैटाइन एंड